गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ कुमारी शालू आई हैव डन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम मैथामेटिक्स ए पी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी देन आई विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जाने की संख्या की पद्धति ये संख्या की पद्धति हमारी फाइव टाइम फाइव टाइप्स की होती है देन फाइव टाइप्स की होती है नंबर वन इज़ अंकों के आधार पर एंड सेकंड वन इज़ विभाज्य के आधार पर थर्ड वन इज इकाई के अंक के आधार वन एंड फोर्थ वन इज़ जॉक के आधार पर एंड फाइफ इज सीरीज़ के आधार पर सीरीज यानी कि श्रेणी के आधार पर देन आज हम डिस्कस uh, करेंगे um, इकाई के अंक के बेसिस पर क्वेश्चन इकाई के अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं मतलब हम इसके हमारे पास कुछ ट्रिक होते हैं शॉर्टकट ट्रिक हैं जिससे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे नंबर वन इज हमारे पास थ्री डिजिट का एक नंबर दिया गया है जैसे मान लो फाइव हंड़, फाइव हंड्रेड फोर्टी देन फाइव हंड्रेड फोर्टी की पावर है हमारे पास वन फोर्टी थ्री देन हम फोर्टी वन फोर्टी थ्री उसकी पावर को चेक नहीं करेंगे हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो लास्ट में जीरो है तो हम जीरो जो है हमारी इकाई का इका अंक वो सेम एज इट रहेगा क्योंकि एक ट्रिक है ट्रिक में हमें क्या बोला है कि अगर डिजिट के लास्ट में इकाई का अंक जीरो होगा वन होगा एंड फाइव होगा एंड सिक्स हो, हो, होगा तो क्या होगा जो हमारा इकाई का अंक है वो सेम एज इट रहेगा उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे देन सेकंड वन इज जैसे हमारे पास इकाई का किसी नंबर के इकाई का अंक जो है मतलब टू है फोर है एट है तो उसकी जो पावर अगर टू हम जो उसकी पावर है मतलब मान लो आपके पास नंबर दिया जाता है आ, Uh, 542 एंड उसकी पावर दी जाती है 143 तो आप क्या करेंगे इजिली ट्रिक है 143 को आप डिवाइड करेंगे फोर uh, से फोर से डिवाइड कर दे क्यों किया फोर से डिवाइड बिकॉज हमें जो इकाई का अंक है वो हमारा ट्रिक बोलता है कि अगर टू की पावर फोर है तो फोर टू uh, की पावर फोर है तो हम इकाई के अंक को सिंपली सिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे ही हमारा होगा फोर की पावर फोर एंड एट की पावर फोर होगा तो हमारा इकाई का अंक सिंप, सिंपल में सिक्स आ जाएगा तो इकाई का अंक इकाई का अंक हम सिक्स लिखेंगे उसका आंसर सिक्स होगा और अगर थर्ड रू थर्ड ट्रिक जो है हमारा वो ये है थर्ड ट्रिक में हमारे पास जैसे वो, वो, अगर हमारे पास इकाई का अंक थ्री है सेवन है तो हम उसको जो पावर है पावर देखेंगे पावर को हम पहले फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारा ट्रिक है ट्रिक बोलता है कि थ्री की पावर फोर होगी तो हमारे पास जो इक, इकाई का अंक है वो सिंपल में वन होगा हमारा आंसर वन होगा अगर हमारे पास सेवन है इकाई का अंक सेवन है उसकी जो पावर है पावर है जितनी मर्जी बड़ी हो लेकिन उसको फोर से डिवाइड करके सेवन की पावर फोर करनी है तो सेवन की पावर को जब सेवन की पावर फोर हो गई तो हमारा आंसर सिंपल भाषा में वन होगा जो याद रखेंगे हम थ्री की पावर फोर एंड सेवन की पावर फोर होगी तो हमारा आंसर इकाई का अंक जो होगा वो वन होगा एंड जो फोर्थ रूल है फोर्थ रूल हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास uh, कोई डिजिट दिया गया है डिजिट में जो इकाई का अंक है वो नाइन है लेकिन इसकी जो पावर है पावर अगर uh, सम में होगी जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल दिया जाता है फाइव हंड्रेड का डिजिट है और उसकी पावर दी है आपको 140 फोर्टी वन फोर्टी वन देन जो 140 पावर है उसकी वो एक नंबर uh, है सम में है ना वो सम में यानी कि वो टू से टू से फोर से डिवाइड हो रहा है वो नंबर अगर वो टू से डिवाइड हो रहा है नंबर तो दैट इज उसका आंसर सिंपल में क्या होगा वन होगा अगर मान लो अगर मान लो कि आपके पास नंबर दिया है फाइव फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन देन उसकी पावर दी है पावर दी है आपके पास वन हंड्रेड फोर्टी वन देन जो वन हंड्रेड फोर्टी वन है वो क्या है एक हमारा ओड नंबर है यानी कि वो थ्री से डिवाइड हो रहा है तो वो फोर से डिवाइड नहीं हो रहा है और टू भी सेव नहीं हो रहा तो क्या सिंपल वे में वो थ्री से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसका सिंपल वे में आंसर होगा नाइन ये याद रखेंगे अगर हमारी इकाई का अंक जो नाइन है और उसकी पावर जो है इवन में है देन तो उसका आंसर सीधा होगा इकाई हमारा इकाई का अंक होगा वन एंड अगर हमारे पास क्या है कि अगर इकाई का अंक नाइन है और उसकी जो पावर है वो क्या है और नंबर में है देन उसका सीधा आंसर हमारा होगा नाइन ठीक है इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है बट तो ये इजी ट्रिक है इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में वन सेकंड में हम इजीली निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती मैथ एक ऐसा एक ऐसी बुक है जिसे हम ट्रिक से इजीली इजी से इजी से इजी ट्रिक से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कम से कम समय में इसके बस इसके लिए एक लॉजिक होता है लॉजिक को हमने एक फाइंड आउट करना सीखना है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो क्वेश्चन करके भी बताती हूँ जो मैंने ट्रिक बताई उसको कैसे हमने चेक करना है कैसे फाइंड आउट करना है ठीक है देन